हाँ नमस्ते भाभी। क्या दीदी इतना लेट आ रहे हो आप? आपका तो रोज का हो गया है। भाभी वो गुप्ता आंटी क्या मेहमान आ रखे हैं, ढेर था बर्तनों का, इसीलिए टाइम लग गया। रोज रोज के बहाने। दीदी सोफे के नीचे भी मार लो, रोज बताना पड़ता है। अरे दीदी टॉर्च पे झाड़ू कौन मारता है, थोड़ा साइड से सफाई कर लो ना। दीदी वो कोना रह गया, वो भी करना होता है ना। भाभी। हाँ जी। मैं जा रही, दरवाजा बंद कर लियो। है 15 मिनट में पूरे घर का झाड़ू पोछा हो गया? तो भी 2 घर और पड़े हैं। अच्छा चलो ठीक है, पर दीदी कल से तो टाइम पे आ जाओगे ना, मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है वरना। अरे भाभी मैं तो आपको बताना भूल गई, कल से तो मैं छुट्टी पे जा रही हूँ। छुट्टी क्यों? वो मेरे गांव में शादी है, 4-5 दिन में आ जाऊंगी। दीदी फिर सफाई कैसे होगी? अरे सुनो रुको, इस तरह की चिक चिक तो हम में से काफी लोग डेली बेसिस पे फेस करते ही हैं, बट अपनी लाइफ को इजी एंड हैसल फ्री बनाने के लिए इस टाइम वी टेक सम वाइज डिसीजंस। Hi guys, my name is Ella and welcome back to Her Fab Way. And to watch this video in English, please switch on the subtitles. तो आज मैं आपके साथ एक रोबोटिक क्लीनर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। अ रोबोट जो आपका पूरा घर साफ करेगा, वैक्यूम एंड मॉप, दैट इज झाड़ू एंड पोछा। लास्ट ईयर भी मैंने एक रोबोटिक क्लीनर रिव्यू किया था एंड उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, बट विद टाइम टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, इसीलिए आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ मैक्टोरिंग लेजर ऑन S9 प्रो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। ऑनेस्टली स्पीकिंग राइट नाउ मार्केट में बहुत सारे रोबोटिक क्लीनर्स अवेलेबल हैं एंड मैंने काफ़ी ट्राई भी किए हैं, बट ये वाला रोबोटिक क्लीनर मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मेनली बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंडियन ब्रांड है, सेकेंडली इसके फीचर्स, इसके टेक्नोलॉजी, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास, एंड थर्ड ऑफ ऑल इसको आप जितना चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि कारपेट पे सिर्फ वैक्यूम होना है, मॉप नहीं होना, तो आप मैप में बस उतना एरिया मार्क कर दीजिए एंड योर रोबोट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। या फिर कहीं पर टॉयज फैले हुए हैं एंड यू डोंट वॉन्ट टू क्लीन देम राइट नाउ, तो सिंपली रोबोट को इंस्ट्रक्ट कर दीजिए एंड योर जॉब इज डन। रोबोट बिना उन टॉयज को टच करे बाकी का पूरा एरिया क्लीन कर देगा। ये सब थोड़े से एग्जाम्पल हैं, बट आगे इस वीडियो में आप इसके और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखेंगे। हेयर इज द फ्लो ऑफ द वीडियो, हम इसके फीचर्स, इसकी फंक्शनिंग, इसकी लिमिटेशंस, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या एक रोबोटिक क्लीनर मेड को रिप्लेस कर सकता है, तो उसका ऑनेस्ट आंसर आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो नाउ लेट्स अनबॉक्स इट। ये है रोबोट वैक्यूम क्लीनर, एडाप्टर, चार्जिंग डॉक, अ रिमोट एंड 2 AAA बैटरीज, अ वाटर टैंक विद मॉप पैड, 2 साइड ब्रशेस एंड अ क्लीनिंग टूल। यू ऑल्सो गेट अ यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड एंड FAQ शीट। अब हम इसके फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। ये रोबोट लिडार 2.0 बेस्ड नेविगेशन यूज करता है। दिस वे ये रोबोट पूरा एरिया इंटेलिजेंटली स्कैन कर पाता है एंड आपके घर का एक एक्यूरेट मैप फॉर्म करता है। जितना एक्यूरेटली ये एरिया स्कैन करता है उतनी ही एफिशिएंटली उसको क्लीन भी करता है। इसकी सक्शन पावर 3000 पास्कल्स है जिससे ये फ्लोर पे से माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स भी कलेक्ट कर लेता है। क्लीनिंग के लिए ये रोबोट S पैटर्न फॉलो करता है। ऑल्सो इससे आप 2-in-1 क्लीनिंग कर सकते हैं, वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग टुगेदर। इट कैन वर्क ऑन डिफरेंट सर्फेसेस लाइक वुडन, मार्बल, टाइल्स एंड कार्पेट। इस डिवाइस में क्लिप सेंसर्स हैं जिसकी वजह से ये एक्सीडेंटली किसी भी हाइट जैसे बालकनी या स्टेयर्स से गिरेगा नहीं। अब हम देखेंगे कि इसको फर्स्ट टाइम असेंबल एंड इंस्टॉल कैसे करना है। यूज करने से पहले इन फोम स्ट्रिप्स को जरूर रिमूव कर लें। ये है इसके वेयर रेजिस्टेंस टायर्स और इसमें मेन ब्रश ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नाउ लेट्स अटैच दीज 2 ब्रशेस। दोनों ब्रशेस पर उनकी साइड्स मार्क्ड है तो हम उनको डेजिग्नेटेड स्लॉट्स में अटैच कर लेंगे।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैंक्स। इसमें आपको दो टैंक्स मिलते हैं। फर्स्ट है ये डुअल टैंक फॉर वैक्यूम एंड मॉप। दिस इज द लिड जिसको ओपन करके हम वाटर ऐड करते हैं और ये है इसका मॉप पैड जो इस तरह से टैंक के बेस में अटैच हो जाता है। सेकेंड है ये डस्ट टैंक ओनली फॉर वैक्यूमिंग। इस टैंक में डिफरेंट फिल्टर्स हैं माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट करने के लिए, हेपा फिल्टर, स्पॉन्ज फिल्टर एंड अ प्राइमरी फिल्टर। रोबोट के टॉप पे भी पावर एंड होम बटन्स हैं। रोबोट को यूज करने के लिए सबसे पहले इसको ऑन कर ले और उसके बाद इसको एटलीस्ट 4 to 5 hours के लिए चार्ज होने दें। रोबोट को यूज करने के लिए आपको स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड करनी है और अपना रोबोट कनेक्ट करना है। नाउ योर रोबोट इज रेडी। अब ये रोबोट आपके घर के हर रूम के हर कॉर्नर में जाएगा। द रोबोट विल स्कैन ईच एंड एवरी कॉर्नर अंडर द सोफाज, अंडर द टेबल, एवरीवेयर। जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा था, जितना इंटेलिजेंटली ये आपका एरिया स्कैन करेगा उतना ही एक्यूरेट आपके घर का मैप बनेगा। एंड सी इट्स रेडी। अब आप इस मैप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंट रूम्स को सेपरेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। देन डिफरेंट रूम्स को आपको नेम करना है तो वो भी आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्मार्ट क्लीनिंग फीचर्स। इस रोबोट को आप जनरल क्लीनिंग के लिए स्मार्ट क्लीनिंग मोड पे रन कर सकते हैं और इसका सक्शन लेवल एंड वाटर वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट इसके अलावा इस रोबोट में दो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इससे अपना घर क्लीन करते हैं तो आप इसमें एक सीक्वेंस सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा एरिया क्लीन होना है। जैसे कि आई प्रेफर कि सबसे पहले किचन क्लीन हो जाए, तो आप अपने ऐप में सेकंड्स में ये सेटिंग कर सकते हैं। देन अगर आपके घर में कोई ऐसा रूम है जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा डर्टी हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे घर में जिस रूम में हमारे पेट्स रहते हैं वो नेचुरली ज़्यादा डर्टी हो जाता है, तो इफ़ यू वांट कि पर्टिकुलरली उस रूम में आपका रोबोट ज़्यादा पावर के साथ वैक्यूम एंड मॉप करे एंड इवन 2 बार सफाई करे, तो आप वो सेटिंग भी अपने ऐप में कर सकते हैं। दिस आई थिंक इज अ ग्रेट फीचर। देन समटाइम्स यू वॉन्ट कि एक पर्टिकुलर एरिया में रोबोट एंटर ना करे, फॉर एग्जाम्पल बाथरूम्स, तो हम ऐप में एक वर्चुअल वॉल ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन हमारा रोबोट उस एरिया में नहीं जाएगा। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट कि ये सारे कस्टमाइजेशन आपका रोबोट हमेशा फॉलो करे, तो अपने ऐप में ये कस्टम मोड को ऑन रखिए। देन कितनी बार क्या होता है कि हमें पूरा घर नहीं क्लीन करना, सिर्फ एक रूम क्लीन करना है, जैसे डिनर के बाद किचन समेट ली, बर्तन धुल गए, तो अब खाली किचन का फ्लोर क्लीन होना है। तो ऐसे में आप अपनी ऐप में किचन सिलेक्ट कीजिए एंड रोबोट आपकी पूरी किचन क्विकली वैक्यूम एंड मॉप कर देगा। Isn't this super convenient? Then अगर आपको पूरा रूम नहीं, थोड़ा सा ही एरिया क्लीन करना है, तो सिर्फ अपने ऐप में उतना ही एरिया सिलेक्ट कर लीजिए एंड लीव द रेस्ट टू द रोबोट। Another great thing is कि इस रोबोट को आप मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार क्या होता है कि जो हमारे घर के फॉर एग्जाम्पल एल्डर्स होते हैं वो ऐप यूज करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो रिमोट से भी इस रोबोट को ऑपरेट कर सकते हैं। See, it's so easy. आपके सभी फैमिली मेंबर्स इसको कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। देन आप इस रोबोट को स्केड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 7 AM का अलार्म लगा रही हूँ फॉर डेली क्लीनिंग एक्सेप्ट फॉर संडे एंड सी इट्स डन। अगर रोबोट की सारे नोटिफिकेशंस जैसे कि आप म्यूट करना चाहते हैं, तो इसका डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखिए।
फाइनली गाइस, अगर आपका क्लीनिंग एरिया बहुत बड़ा है, मोर देन 2000 स्क्वायर फीट, तो हो सकता है क्लीनिंग के बीच में ये डिस्चार्ज हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग डॉक पे चले जाएगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट कि चार्जिंग के बाद ये हमेशा ऑटोमेटिकली ही अपनी क्लीनिंग रिज्यूम करे, तो इसका ब्रेक पॉइंट कॉन्टिन्यूस क्लीनिंग मोड ऑन रखिए। सो गाइस, अब तक हमने देखा कि हमें इस रोबोट को कैसे ऑपरेट करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। रोबोट को क्लीन करने के लिए सबसे पहले इसको ऑफ कर लें एंड इसका टैंक रिमूव कर लें। ये माइक्रोफाइबर मॉप पैड है, इसलिए इनको वॉश करने के लिए आप कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट या शैम्पू यूज कर सकते हैं एंड देन जस्ट लीव इट टू ड्राई। देन लुक, यहाँ पर सारा डर्ट, पेट हेयर सब कलेक्टेड है, इसको हम अपने गार्बेज बिन में एम्प्टी कर लेंगे और ये क्लीनिंग टूल यूज करके इसको क्लीन कर लेंगे। सी, इट्स टोटली क्लीन नाउ। अब हम रोबोट को टर्न करके इसके ब्रशेस को भी क्लीन कर लेंगे। मेन ब्रश को क्लीन करने के लिए उसको ऐसे पुल आउट कर लीजिए और आप देखेंगे कि उसमें सारे हेयर स्ट्रैंड्स और थ्रेड्स टैंगल्ड हैं। उनको आप ये क्लीनिंग टूल यूज करके इजीली रिमूव कर सकते हैं। एंड सी, इवन दिस इज क्लीन नाउ। फॉर बेटर नेविगेशन आप इसके सेंसर्स को भी टाइम टू टाइम किसी भी सॉफ्ट क्लॉथ जैसे कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। Now, let's talk about some precautions. किसी भी रोबोटिक क्लीनर को यूज करते टाइम आपको दो precautions हमेशा लेनी है। First of all, आप इनके अंदर कोई भी फिनाइल या फ्लो क्लीनर ऐड नहीं कर सकते unless specified by the company. जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, ये फ्लो क्लीनर्स जो होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं एंड ये मशीन्स उनके लिए डिजाइन नहीं होती। सेकेंडली, ये जो सारे डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टीम आयरन, गार्मेंट स्टीमर, रोबोटिक क्लीनर्स, इनमें आप कभी भी रेगुलर टैप वाटर ऐड मत करिए, हमेशा ड्रिंकिंग वाटर, प्योरीफाइड वाटर ही ऐड करिए, वरना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके अंदर सॉल्ट डिपॉजिट्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स लिमिटेशंस एंड ऑल्सो कि क्या एक रोबोटिक क्लीनर मेड्स को रिप्लेस कर सकता है। तो इसका ऑनेस्ट आंसर है येस। आई फील कि 95% तक रोबोट्स जो हैं मेड का सारा काम कर लेते हैं, बट ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस तो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो हाइट वाला जो फर्नीचर होता है या स्मॉल स्पेसेस होती हैं, वहाँ रोबोटिक क्लीनर्स एंटर नहीं कर पाते, मेड की ब्रूम वहाँ चले जाएगी। सेकेंडली, क्योंकि इसके अंदर एंटी ड्रॉप सेंसर्स हैं, तो इससे आप अपने घर की स्टेयर्स क्लीन नहीं कर सकते। एंड थर्डली, रोबोटिक क्लीनर्स को आपको खुद ही क्लीन करना होता है। लाइक आई शोड यू, इट्स नॉट अ ह्यूज टास्क, बट हाँ 10 मिनट्स लग जाएंगे। बट कुछ वेज में रोबोटिक क्लीनर मेड से भी बेटर हैं, विच ब्रिंग्स मी टू द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग रोबोटिक क्लीनर्स। रोबोटिक क्लीनर्स को आप दिन में किसी भी टाइम, दिन में कितनी भी बार यूज कर सकते हैं, अपना घर क्लीन करा सकते हैं। मेड सिर्फ एक बार क्लीनिंग करेगी एंड रोबोटिक क्लीनर जितनी बार आप चाहें। ऑल्सो, चाहे आपको पूरा घर क्लीन कराना है, चाहे सिर्फ एक रूम, चाहे एक छोटा सा एरिया, आपको सिर्फ रोबोट को इंस्ट्रक्ट करना है, दैट्स इट। एंड फाइनली गाइज, अगर आप रोबोटिक क्लीनर यूज कर रहे हैं तो आप अपने घर की क्लीनिंग के लिए मेड्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर आपका रोबोट चार्ज्ड है तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। कमिंग टू द कंक्लूजन, इफ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, तो मुझे इस रोबोट की क्लीनिंग, स्पेशली मॉपिंग, बहुत इंप्रेसिव लगी। इट मॉप्स रियली वेल, वन गो में ये हमारा पूरा घर अच्छे से साफ कर देता है। देन इस रोबोट का सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर जो मुझे लगा वो ये है कि आप इसको कितना डिटेल में कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हमारी छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, लिटरली लाइक हम अपनी हाउस हेल्प्स को बोलते हैं कि अरे वहाँ बहुत गंदा है, वहाँ अच्छे से सफाई करना, पहले उस रूम में सफाई कर लो, या वहाँ पर झाड़ू मत लगाना, एंड ऑल ऑफ दैट। कमिंग टू द प्राइस, मैक्टूरिंग लेजर ऑन S9 प्रो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का प्राइस है ₹23,800। इसके साथ आपको 1 ईयर की वारंटी एंड 3 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है, जो कि बहुत कम ब्रांड्स ऑफर करते हैं। अगर आप भी ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं या फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, प्लीज चेक द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप इनकी वेबसाइट से फ्री लाइव डेमो सेशन भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। क्या आपके घर में भी कोई रोबोटिक क्लीनर है एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस के लिए जरूर माय चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।